हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेजी लाइफ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही, कितना टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा है। तो यार, मैं बीमार हो गया था काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया है। मैं मतलब कम से कम 10-15 दिन तक रहा था बेड पे। तो आज मैं आया हूँ पत्रिका गेट पे, देख सकते हो काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ पे। और जो पत्रिका गेट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जयपुर के अंदर, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं शूट वगैरह करने के लिए। तो मैं आपको भी इसकी आज दिखाने वाला हूँ कि कैसा है। तो चलो आपको दिखाता हूँ। ये है पूरा पत्रिका गेट जयपुर, ये देख सकते होंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन बना रखी है और ये साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो चलो अब चलते हैं, मम्मी पापा वहीं पे हैं। यह है पूरा पत्रिका गेट, ये देख सकते होंगे आप लोग पत्रिका गेट। बाकी यहाँ पे हॉर्स राइड है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड लगते हैं जो कि हम लोग खा चुके हैं अभी। हम लोग खा चुके हैं तो मैं अभी भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। बाकी यहाँ पे जो वो होता भीड़ काफ़ी हो रही है तो मैं आपको ढंग से आवाज़ सुना नहीं पा रहा। तो अब चलते हैं सीधा पत्रिका गेट पे, मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, शूट हो रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। और चलो मैं अब आपको चल के दिखाता हूँ पत्रिका गेट में। हॉर्स राइड भी है गाइस यहाँ पे। तो ये है पत्रिका गेट और ये है हॉर्स राइड। और काफ़ी ऊँचा है गाइस, जयपुर का बहुत फेमस जगह है ये घूमने के लिए। और ये पापा यहाँ पे, पापा कैसा लग रहा है पत्रिका गेट का के? बहुत बढ़िया लग रहा, फर्स्ट क्लास, मजा वहाँ आपको ये भी। बाकी यार यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आते हैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटिंग वगैरह शूटिंग वगैरह करने, तो यहीं पे शूटिंग करते हैं। तो ये है पत्रिका गेट के अंदर का, आप देख सकते होंगे कितनी अच्छी डिज़ाइन है। ये देखो यहाँ पे देख लो क्या शानदार है डिज़ाइन। और पापा भी देख रहे हैं, ये देख सकते होंगे आप लोग पूरा ये अंदर तक तो शानदार सा बना रखा है पूरा गेट है। यहाँ पे डिज़ाइन से काफ़ी अच्छी अच्छी देख सकते होंगे। यहीं पे काफ़ी बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। और ये है इसका पिछली वाला साइड जहाँ पे भी शूट हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा। और आपको याद हो तो वहीं पे हुआ था एक्सपेरिमेंट किंग का आईफोन वाला शूट। तो गाइस चलो मैं आपको पीछे वहाँ पे ले चलता हूँ जो कि ये पूरा खाली ग्राउंड है। बाकी गाड़ियों की भीड़ लग रही है ख़तरनाक तरीके से। काफ़ी फेमस जगह है घूमने के लिए पत्रिका गेट, यहाँ की कोई भी टिकट भी नहीं लगती। ओ गाइस काफ़ी शानदार नज़ारा। और यहाँ पे लिखा हुआ है पत्रिका गेट, जिसको लोगों ने दबा दबा के दबा दिया था और अब वो आपको नज़र नहीं आ सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कितनी अच्छी बना रखा है, यहाँ पे बैठने की जगह है। कि ये RAJAS तो दिख रहा है लेकिन THAN पे पता नहीं क्या क्या ये लोग बैठे हुए हैं यार, पता नहीं क्या इसे। और यहाँ पे शूट हुआ था एक्सपेरिमेंट किंग की वीडियो। बाकी आप देख सकते हैं पूरा खुला मैदान है यहाँ पे और वो बना है चक्कर, देख सकते होंगे आप लोग। बाकी पापा और फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है पापा को। पापा अभी आपने पाव भाजी वगैरह खाई है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया पाव भाजी है यहाँ की, शानदार पाव भाजी। पापा यहाँ तो एक्सपेरिमेंट किंग की वीडियो शूट हुई थी ना? यही वो जगह है गाइस, यही वो जगह है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किंग की शूट हुई थी। हाँ, ₹1 में आईफोन बिका था गाइस, ये देख सकते होंगे आप लोग। यहाँ पे स्केटिंग भी कर रहे हैं कई लोग, क्योंकि खुला मैदान है यहाँ पे, स्केटिंग कर सकते हैं आराम से। और वो देखो कितनी अच्छा वहाँ पे बना रखा है एलिफेंटा का सीन, देख सकते होंगे। तो मुझे तो यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ चुका है। बाकी काफ़ी लोग आते हैं पत्रिका गेट पे घूमने, आप लोग भी ज़रूर आना अगर आप जयपुर से हो तो। और गाइस अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं आपको बता दूँ, ये जयपुर राजस्थान जयपुर में जवाहर सर्किल के, जवाहर सर्किल पे आपको मिल जाएगा ये बड़ा सारा पत्रिका गेट। वहाँ पे देखो एलिफेंट की डिज़ाइन वाह काफ़ी शानदार है गाइस। चलो अब इसको देख कर आते हैं, कुछ इस प्रकार का है ये हाथी। चलो
गाइस अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे आप लोगों के लिए, अब कोई भी नहीं होंगे मिस व्लॉग्स। और ये देख सकते होंगे ऊपर तो आती और नीचे है गाय। और यहाँ पे जो है लाइट शो भी होता था, लेकिन अब जो है वहाँ पे सेटअप जो है नहीं बना रखा। बाकी देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, बाहर की कंट्री से भी हैं, यहाँ की कंट्री के भी हैं, सब खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं फुल। सकते हैं आप फोटो शूट करने के लिए कहाँ पे चढ़ चुके हैं जरा सी गलती है, और पापा गए सीधा कुएं में। और गाइस पापा को ऐसे ऊपर चढ़ने में पापा मज़ा आता है कि ऊपर चढ़ने में मज़ा आता है कि ऊपर चढ़ने में यार अपन भी जाते हैं, लेकिन यार मुझे तो डर लग रहा है तो मैं ही नहीं जाता। चलो एक बार आपको कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस कर चलते हैं पापा। तो गाइस मैं भी ऊपर आता हूँ, पापा को फोन पकड़ा के यहाँ पे कहाँ का चढ़ रहे हैं। चलो राउंड लगा के आते गाइस। और देखो कितनी पहनी सड़क है और काफी डर लग रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी एलिफेंटा और पापा अब और ऊंचे जाने, पापा गिर जाओगे, तो गिर जाओगे पापा। ओ गाइस पापा ने आती को हाथ लगा लिया इतनी जोर से। रुको जो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस फोटो खींच चुके आपकी आप भी आ जाओ क्या। चढ़ तो गए लेकिन अब आने की दिक्कत हो रही है। अब आएंगे कैसे। ओ भाई बच गए अभी वरना सीधा, बच गए वरना सीधा पानी में जाते अभी। अरे यार पापा तो अरे यार मैं तो छोड़ गया, मैं तो भूल ही गए। गाइस पापा युविका को ले रहे हैं, ताकि मैं पापा को फोन दे देता हूँ क्योंकि फोन की चिंता लग रही है मुझे। चलो लो पापा पकड़ो फोन में आता कुछा चलो आ जाओ आ जाओ मजा आया आप लोगों को ऊपर और क्या। अच्छा। मुझे तो डर लग रहा था गाइस मैं जाती ना तो आप सब नीचे आ जाते नीचे उतर जाते डर बाहर। गाइस काफी मजा आया है, मजा आ चुका है। और पत्रिका गेट पे काफी लोग आते हैं, आप लोग भी जरूर आइएगा। ओ भाई पत्थर ही पत्थर पड़े हैं तो। बाकी यहाँ पेड़ पे जो है यहाँ पे इंडिया का है बना रखा है फ्लैग। चले चलो चलो वही भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट होने के बाद यहाँ पे लाइट शो भी होगा, फिर काफी अच्छा होगा, मजे आएंगे यहाँ पे फिर। और यहीं पे हुई थी शूटिंग, एकदम एग्जैक्ट यही प्लेस पे हुई थी। चलो चलते हैं यहाँ पे, जब ये बन जाएगा तो काफी अच्छा दिखेगा। तो चलो गाइस चले, अरे चलो गाइस चलते। और वहाँ पे लिखा हुआ है पत्रिका गेट, देखो ये लिखा हुआ है। ओके आइसक्रीम के स्टॉल भी यहाँ पे, और वहाँ पे है बुड्ढी के बाल। तो गाइस अभी फोटोशूट चल रहा है मम्मी और का, देख सकते होंगे। तो गाइस अभी मम्मी और यहाँ पे बातें कर रहे हैं। जब तक मैं आपको थोड़ा मार्केट घुमा देता हूँ यहाँ का, बाकी आइसक्रीम के स्टॉल है।
और वहाँ पे गुब्बारे वाले। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा मार्केट, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है तो मैं आपको ढंग से तो नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी आप देख सकते हो पाव भाजी की सबसे ज़्यादा स्टॉलर हमने पाव भाजी खाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आइसक्रीम की भी है और बुड्ढी के बाल भी है, छोले टिक्की, पता नहीं पूरा मार्केट है, हॉर्स राइड है यहाँ पे। देखो गाइस घोड़े को कितना प्यारा लग रहा है, देखो गाइस घोड़ा कितना शानदार है, और मम्मी और वहाँ पे बातें कर रहे हैं। गाइस मैं और यूवी उस घोड़े पे बैठेंगे और भैया हमको घुमाने वाले हैं, तो चलो मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। चलो बैठते, पापा को फ़ोन देता हूँ। यू भी कैसा लग रहा है? रुको रुक। चलो गाइस हमने गोटी की कर ली है और हम लोग चलते गुड्डी के बाल करने। मज़ा तो आ गया यार काफ़ी ज़्यादा घूमने में, परसों जाके गाइस अभी थंबनेल भी ले लिया हमने यहाँ का अब वीडियो के लिए। और यार आजकल तो आपको पता ही कि अभी सकरात आए वाली, और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर तो कहना है भूल यार गाइस आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 1 जनवरी और कल हमने हैप्पी न्यू ईयर भी मनाया लेकिन उसका व्लॉग हम नहीं बना पाए क्योंकि उसके लिए आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छी तरह हमने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करा और हमें खुशी है कि आप लोग भी अच्छी तरह अपने परिवार के साथ घुल मिल के इस हैप्पी न्यू ईयर के फेस्टिवल को जरूर से मनाना। और ये है हमारी इस साल की 1st वीडियो, तो इसको यार जल्दी बहुत सारे लाइक देना और सब्सक्राइब जरूर से करना यार। और वहाँ पे गाइस यार मम्मी पापा तो वहाँ पे कॉटन कैंडी खरीदे हैं, चलो वहाँ पर भी चलते हैं। तो चलो देखते हैं हमें क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कौन क्या कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो पापा? कॉटन कैंडी खरीद रहे हो? तो गाइस कॉटन कैंडी खरीदते हैं, चलो पिंक लोगे आपने पिंक पहन। तो गाइस कलर मैचिंग लेंगे,
और हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। गाइस पापा ने भी हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। गाइस सबकी दुआ आपके साथ है और ये साल आपका काफी अच्छा जाए यार, हम मेरी तो ये दुआ है। स्टिक नहीं लगाई हुई क्या? लगाई हुई है ना। गाइस ये बुड्ढी के बाल, युविका ने कौन से कलर लिया है? पिंक। और मैंने लिया येलो क्योंकि येलो मेरा फेवरेट कलर है। हैप्पी हैप्पी यू भी हैप्पी। गाइस ले लिया हमने काफी अच्छी तरह। गाइस अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केट दिखा देता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते होंगे यहां पे स्टॉल लगी फूड की, यहां पे देख सकते होंगे भोजनालय, पाव भाजी वगैरह, और यहां पे पूरे स्टॉल के हुए, पूरा मार्केट है पूरे स्टॉल का। हम लोग कॉटन गेट ही कर रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आ चुका है, हमने पत्रिका गेट घूमा और आप लोगों को भी दिखा दिया और काफी मजा आया ना। युविका आपको कैसे मजा आया? अच्छा आया। गाइस युविका आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बच्चों को देख के और अच्छा लग रहा है। पत्रिका गेट पर काफी मजा आ चुका है, आप लोगों को भी दिखा दिया। तो गाइस यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना क्योंकि साल का पहला ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना। और आपको पत्रिका गेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना यार मुझे, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, कुछ भी भूल जाओ लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूल जाना यार। और आप लोगों को यार हैप्पी ईयर की, हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने घर पे अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर जरूर से मनाना। चलो आज के ऑनलाइन से इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।